दो चीज़ मुझे कहना है कि बहुत टाइम से रिसर्च किया है यहाँ आने की, और एक दो चीज़ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई सोच रहा है इधर आके, जो हमें वीडियो में मिलता है वो मिलेगा कि नहीं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस है कि डेफिनेटली मिलता है। दूसरी चीज़ जो मैं देखने की, आई वॉज लकी टू वॉच, कि जो बिहाइंड द सीन यहाँ होता है, 30-40 बंदे काम करते रहते हैं और इतने शिद्दत से करते हैं, वो मैं डेफिनेटली गारंटी से कह सकता हूँ कि ये क्वालिटी उसके वजह से आती है। बाकी सब हर कोई कह चुका है और उसको सिर्फ ऐड करता हूँ बस। दिस इज़ द बेस्ट एवर स्कॉर्पियो एन अपग्रेड बाय अस, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया की फर्स्ट स्कॉर्पियो एन है विद द ग्लोरी वाइन का सुपर लग्जूरियस इंटीरियर हमने किया है। और यस दोस्तों, ये वेरिएंट है Z4, ये आई है कर्नाटक का मैंगलोर से एक ही चीज के लिए, जो हमारी सुपर स्पेशलिटी है, सुपर लग्जूरियस इंटीरियर। और ये कार में मैं इंटीरियर से ही स्टार्ट करना चाहूंगा। ये कार में हमने वंस अगेन जो ये इंटीरियर है, सॉफ्ट टच है, ग्लोरी वाइन कलर का हमने किया है। ना ही ये कोई एलमेंट है, ना ही कोई वॉलनट है, ये कलर इंस्पायर्ड फ्रॉम द BMW जो 3 सीरीज का आता है। दोस्तों सॉफ्ट टच, डोर की हमारी लेदर रैपिंग तो देखिए हम किस तरीके से करते हैं। ये वो ही स्कॉर्पियो है जो रेगुलर प्लास्टिक की ट्रिम्स आती है और इसे हम सुपर लग्जूरियस बनाते हैं। एक्टिव एम्बियन लाइटिंग हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है, इनर हैंडल्स किए हैं, ग्रैब हैंडल्स किए हैं, और जो पावर विंडोज की ट्रिम्स आती है उसे हमने हाई ग्लॉस किया हुआ है। और ये जो स्विचेस भी आते हैं इसमें रेगुलर लग के आते हैं, हमने टॉप वेरिएंट के जो हाई ग्लॉस स्विचेस आते हैं वो ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं। सीट कवर हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं, तरीका क्या है हमारा काम करने का, सुपर लग्जूरियस एक बोलना नहीं है, एक फैक्टर को ऐड ऑन करना रहता है। दोस्तों ये जो इंटीरियर इतना एनहेंस क्यों हो रहा है मालूम है, हर वक्त हम इंटीरियर में एक चीज़ की हमारे से कमी रह जाती थी, जो पिलर और जो टॉप है वो हर वक्त आइस ग्रे रहता था। लेकिन ये कार के अंदर ऑल द पिलर ए बी और सी हमने सॉफ्ट टच लेदर रैप किए हैं, और जो ग्रे कलर का टॉप लग के आता था उसे हमने सॉफ्ट ब्लैक किया है, तब जाके ये जो ग्लोरी वाइन का जो इंटीरियर है सुपर एनहेंस हो रहा है। दोस्तों इसकी बात ही कुछ और है, और ये जो ग्लोरी वाइन है, द न्यू इंट्रोड्यूस सीट कवर्स बाय द टॉप गियर है, और ये सीरीज भी टोटली डिफरेंट है, ये प्रेस्टीज सीरीज के आते सेम कॉन्सेप्ट की हमने मैट्स भी इंस्टॉल की है विद द हनीकॉम अपहोल्ड्स के साथ है। फ्रंट में डोर की हमारी कलाकारी आप लोगों के सामने है, इनर हैंडल्स, ग्रैब हैंडल्स, और खास करके जो स्विचेस हैं, ऑल द 4 डोर के स्विचेस हमने टॉप वेरिएंट के जो हाई ग्लॉस वाले आते हैं वो ही इंस्टॉल किए हैं। सिस्टम सोनी ES सीरीज का हमने अपग्रेड किया हुआ है।
यस दोस्तों, सोनी ES सीरीज के फ्रंट में कंपोनेंट कोएक्सियल और एक GS4 का एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है। फ्रंट की हमारी सीट कवर की फिटमेंट तो देखिए, हमारी कलाकारी तो देखिए, हम किस तरीके से सीट कवर को इंस्टॉल करते हैं, फिटमेंट, फिनिशिंग, सेंटर आर्मरेस्ट भी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेन जो अट्रैक्शन है ना, इसका स्टेयरिंग है, द मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग हमने ये कार के अंदर रिप्लेस किया है। अगेन, इसके कार के अंदर जो रेगुलर प्लास्टिक की जो स्टेयरिंग ही लग के आती है, मैं लेदर रैप बहुत अच्छी तरह हम करते हैं, लेकिन वो फील नहीं है दोस्तों। फील अगर ड्राइविंग का चाहिए तो ये मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, विद द मसल मोल्ड्स के साथ आते हैं। सेंटर का हॉर्न पैड का एरिया भी आप देख सकते हैं, और यस दोस्तों, जो क्लस्टर का अपर एरिया है उसे भी हमने हाई ग्लॉस किया है। जो सेंटर कंसोल है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, टोटली वो भी एक हाई ग्लॉस है। लेकिन पिलर की मैं बात करना चाहूँगा, ऑल द पिलर ABC एंड प्लस जो आइस ग्रे कलर का टॉप है उसे जब हम ब्लैक करते हैं उसकी बात ही कुछ और रहती है। और ख़ास करके आप इंटीरियर तो देखिए, ग्लोरी वाइन विद द इंटीरियर स्टाइलिंग किट, एक्टिव एम्बियंट लाइटिंग, दिस इज वंस अगेन अ वाव फैक्टर ऑफ द कार। मैट्स भी हम किस तरीके से फिट करते हैं, तरीका क्या है, कफ प्लेट्स ये कार में नहीं लग के आती है, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। डैशबोर्ड की भी तो लेदर रैप आपको बताएंगे हम किस तरीके से हमने किया हुआ है। लेग पैड का एरिया वो भी देख सकते हैं दोस्तों। एक बारीक चीज है, जो प्लेयर है ये Z4 वेरिएंट है, इसके अंदर ये मैट फिनिश की फ्रेम्स लग के आती है, उसे भी हमने रिप्लेस करके हाई ग्लॉस वाले टॉप वेरिएंट की फ्रेम इंस्टॉल की है। ये जो सेंटर कंसोल है ये भी रेगुलर मैट फिनिश का लग के आता है, इसे भी हमने रिप्लेस किया हुआ है। और ख़ास करके हमारी मैट्स, हमारे सीट कवर, डैशबोर्ड की लेदर रैपिंग, डोर की हमारी कलाकारी अल्टीमेट है। और ख़ास करके द मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग जो हम ये कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और ये जो टॉप ब्लैक एंड पिलर आपको किस तरीके से लगे हैं कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, ये बात कुछ और है। अब ये कार में सिर्फ दो ही कलर हैं, एक ब्लैक है और एक ग्लोरी वाइन है। हर वक्त एक ही चीज़ रह जाती थी, पिलर रह जाता था, और जितने भी ग्रैब हैंडल्स हैं दोस्तों उसे भी हमने हाई ग्लॉस ब्लैक कलर का किया हुआ है। अब आना चाहेंगे हम एक्सटीरियर में। इंटीरियर इतना कमाल और धमाल का है तो एक्सटीरियर के क्या कहने। फ्रंट प्रोफाइल ऑफ द कार, सबसे पहले हमने ये कार के अंदर हेडलाइट रिप्लेस की है विद द प्रोजेक्टर मैट्रिक्स इंडिकेटर के साथ है। जो फ्रंट की ग्रिल है उसे भी हमने रिप्लेस किया है हाई ग्लॉस विद द क्रोम एलिमेंट्स के साथ है। ये कार के अंदर जेन्युइन फोक लैंप्स विद द DRLs नहीं लग के आती है, वो भी हमने इंस्टॉल की है। एंड फ्रंट, बैक एंड साइड की स्किड प्लेट्स भी हमने इंस्टॉल की है। अब आना चाहेंगे साइड प्रोफाइल में दोस्तों। एलॉय लगेंगे तो 18 इंच लगेंगे, 18 इंच लगेंगे तो जेन्युइन इंस्टॉल होंगे। ये कार के अंदर हमने 18 इंचेस के एलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं। टायर्स भी हमने अपग्रेड किए दोस्तों। Z4 में पहले फुटस्टेप लग के आती थी, अब तो कंपनी ने फुटस्टेप भी निकाल दी है, हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल की है। जेन्युइन सेंट्रल लॉकिंग भी नहीं लग के आ रहा है, वो भी रिमोट लॉकिंग हमने इंस्टॉल किया हुआ है। यस दोस्तों, एक रूफ लेयर कंपनी लगा के दे रही है। डोर वाइजर जेन्युइन हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। वेस्ट लाइन क्रोम हमने इंस्टॉल किया रिप्लेसमेंट वाला, और सी क्रोम भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। ये कार के अंदर फुली ऑटोमेटिक ORVM मिरर्स, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। यस दोस्तों, प्राउडली ये Z4 वेरिएंट है। रियर प्रोफाइल में अगर फ्रंट की स्किड प्लेट्स लगाई है तो हम रियर की भी स्किड प्लेट्स इंस्टॉल करेंगे, और जो रियर का टॉप वेरिएंट का जो क्रोम आता है रिप्लेसमेंट वाला, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। कैमरा नहीं लग के आया था, वो भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। लेकिन दोस्तों, द सुपर लग्जूरियस इंटीरियर बाय द विगाटो, और वो भी ग्लोरी वाइन कलर का अल्टीमेट है। स्विचेस ये कार के अंदर मैट फिनिश के आते हैं। ये जो पावर विंडो के स्विचेस हैं वो भी हमने रिप्लेस किए हैं। ORVM भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हर चीज़ सुपर परफेक्ट है। अब टाइम है रिव्यू का, क्योंकि ये कार वापस कर्नाटक का मैंगलोर जा रही है। दोस्तों, मैंगलोर काफ़ी दूर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मिस्टर गौतम सर आए हुए हैं, घर पर ये कार नहीं गई है, शोरूम से डायरेक्ट इधर आई हुई है। अब कार जब रेडी होगी तब वो घर पर रिवील करेंगे कि ये कार हमने किस तरीके से अपग्रेड की है। मिस्टर गौतम का कैसा रहा एक्सपीरियंस मैंगलोर से हमारे पास आना, वर्थ है कि नहीं?
मैं हर कस्टमर को एक ही बात सबसे पहले पूछता हूँ कि इतनी दूर से ट्रैवल करना वर्थ है कि नहीं। काम सब जगह होता है, अच्छा होता है, लेकिन इनको एक्सीलेंसी ऑफ वर्क चाहिए था। गौतम प्लीज। थैंक यू तनवीर। और जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो चीज़ मुझे कहना है कि बहुत टाइम से रिसर्च किया है यहाँ आने की, और एक दो चीज़ मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर कोई सोच रहा है इधर आके, जो हमें वीडियो में मिलता है वो मिलेगा कि नहीं, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, वो मेरे एक्सपीरियंस है कि डेफिनेटली मिलता है। दूसरी चीज़ जो मैं देखने की आई वॉज लकी टू वॉच कि जो बिहाइंड द सीन यहाँ होता है, 30-40 बंदे काम करते रहते हैं और इतने शिद्दत से करते हैं, वो मैं डेफिनेटली गारंटी से कह सकता हूँ कि ये क्वालिटी उसके वजह से आती है। बाकी सब हर कोई कह चुका है और उसको सिर्फ ऐड करता हूँ बस। थैंक यू गौतम सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस एंड हैप्पी जर्नी। और जाते आते हैं मैं फिर एक नज़र देखिए सर, ये है अल्टीमेट हमारा ग्लोरी वाइन जो हमने इंटीरियर किया है। और ख़ास करके ये ग्लोरी वाइन का इतना स्टैंड आउट क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने पिलर और जो टॉप जो है सॉफ्ट ब्लैक कलर के किए हैं ना, हर वक्त मेरे वीडियो में रह जाता था हम पिलर और टॉप छोड़ देते थे, लेकिन अब ये जाके कंटिन्यूटी के हिसाब से ये डैशबोर्ड ब्लैक है, पिलर मेरे ब्लैक हो गए हैं, टॉप मेरा ब्लैक हो गया। अब मेरी कार में सिर्फ दो ही कलर हैं, ब्लैक एंड ग्लोरी वाइन। मस्क्यूलर डी कट स्टेयरिंग अल्टीमेट है दोस्तों। कैमरा ये सब चीज़ें कितना जस्टिफाई कर सकता है मैं वो तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर लाइव मैं वंस अगेन बोलना चाहता हूँ, अगर आपने ये चीज़ देख ली, आप डेफिनेटली अपनी कार में यही कलर ऐसा ही आप अपग्रेड करना चाहेंगे। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगा है मैं फिर से बोलूँगा, कमेंट ज़रूर करना। गौतम को फिर से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, हैप्पी जर्नी बोलना चाहूँगा। दोस्तों बोलना आसान है लेकिन इतनी दूर से आना उतना ही डिफ़िकल्ट है, और जब कोई इतनी दूर से आता है मेरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, ये चीज़ डिलीवर करना ही करना है। तो ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये स्कॉर्पियो एन फ्रॉम मैंगलोर Z4 वेरिएंट अपग्रेडेड विद द सुपर लग्जूरियस कॉन्सेप्ट आपको किस तरीके से लगी है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।